दिल्ली में एक बार फिर से गैंगस्टर्स का आतंक देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी से। बीती रात उत्तम नगर गुरुद्वारे के बाहर खड़ी गाड़ी पर एक अज्ञात शूटर ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद शूटर ने गैंगस्टर गोगी मान के नाम से एक धमकी की पर्ची भी फेंकी है, जिस पर लिखा है कि लास्ट वार्निंग गोगी मान ग्रुप। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर से कारतूस भी बरामद किया गया है। अब ये क्या मामला है, रंजिश का मामला है या फिर औते का मामला है, ये अभी अपडेट आना बाकी है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मुकेश, ये कौन सी लोकेशन का मामला है, क्या हुआ? देखिए, उत्तम नगर में गुरुद्वारा है, उसके बाहर बीजेपी नेता रमनजोत सिंह की गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी पर एक बाइक पर सवार लड़का आता है और फायरिंग करके वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते एक पर्ची डालता है जिस पर गैंगस्टर गोगी मान का नाम लिखा होता है। जो बीजेपी नेता है उनकी शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस को कोई खाली कारतूस वहां से नहीं मिला है, लेकिन रमनजोत सिंह ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनको कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों की धमकियां आ रही हैं, कुछ विदेशी नंबरों से फोन आ रहे हैं जिसकी शिकायत वो पहले से कर चुके हैं। हालांकि इस बार जो फायरिंग हुई और जिसका नाम है गैंगस्टर गोगी मान, गैंगस्टर गोगी मान दिल्ली का ही एक बड़ा गैंगस्टर था जो 2021 में एक गैंग वॉर में मारा गया था, लेकिन उसके जो उसका जो गैंग है वो लगातार अभी भी चल रहा है। बहुत सारे लड़के दिल्ली के और आसपास के उससे गैंग में शामिल हैं। और जो दीपक बॉक्सर जो एक गैंगस्टर है जो कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आया था, वो तिहाड़ जेल में बंद है, वो गैंगस्टर गोगी मान की कमान को संभाल रहा है। तो अभी पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये गैंगस्टर गोगी मान के गैंग के लोगों ने पर्ची भेजी है या इसके पीछे कौन है, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। लेकिन एक बार फिर दिल्ली में दहशत का माहौल और फायरिंग के बाद जो बदमाश था वो पर्ची रख के चला गया है। शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर्स की फायरिंग से एक बार फिर से दिल्ली दहली है। इस बार खड़ी गाड़ी पर फायरिंग की गई और एक पर्ची फेंकी गई जिसपे लिखा था कि लास्ट वार्निंग। उत्तम नगर गुरुद्वारे के बाहर खड़ी थी ये गाड़ी, अज्ञात शूटर ने पहले फायरिंग की फिर ये पर्ची फेंकी है।